हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाला हूं, जो कि टॉपिक उसका है महत्वपूर्ण शब्दावलियां। मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जान लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम गवाए हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड पे देखिए कुछ चीजें हम लोग को क्लियर होना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो है, शब्दावलियां कुछ क्लियर होना चाहिए जिससे हम लोग को ज्योग्राफी समझने में आसानियत होगी या फिर सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट जो है ग्लोब। ग्लोब किसको बोलेंगे? ग्लोब तो पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है। तो ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया होगा? दोस्तों, ग्लोब का निर्माण जो सबसे पहले किया था वो टॉलमी महोदय ने किए थे। और ग्लोब, जैसे ग्लोब का निर्माण जैसे ही टॉलमी महोदय ने किए, उसमें दो समस्याओं का निर्माण कर दिया। दो समस्याओं क्या क्या हो सकता है? जैसे इसमें संपूर्ण विश्व को एक नजर में नहीं देखा जा सकता है। संपूर्ण विश्व को एक नजर में नहीं देखा जा सकता है। और इसे कैरी करना, कैरी करने का मतलब क्या, कहीं पे बैग में, छोटा बैग या कहीं पे, मतलब ले जाना में, ले जाने में सहूलियत नहीं होती है। मतलब की कैरी कर पाना उसको मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये थी ग्लोब। मानचित्र, मानचित्र किसको बोलेंगे? तो मानचित्र किसको बोलते हैं? ग्लोब को सपाट पेपर पर स्केल के माध्यम से बनाना ही मानचित्र कहलाता है। ग्लोब को सपाट पेपर पर, मतलब कि कोई पेपर है या पेज है या कॉपी है, उस पे क्या करते हैं, स्केल के माध्यम से, जैसे स्केल के माध्यम से बनाना ही उसको क्या बोलते हैं, मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? इरेटोस्थनीज। दोस्तों, इरेटोस्थनीज आप लोग को बताया था फर्स्ट क्लास में कि ज्योग्राफी के पिता बोला जाता है इरेटोस्थनीज को। और शुद्ध मानचित्र का जो निर्माण किया था वो बनाया था अनेक्जिमेंडर। तो दोस्तों, इसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है, शुद्ध मानचित्र का निर्माण अनेक्जिमेंडर, लेकिन सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? इरेटोस्थनीज किए थे। थर्ड नंबर पॉइंट है रेखाचित्र। रेखाचित्र किसको बोलते हैं? तो रेखाचित्र, जब कोई मानचित्र बिना स्केल के माध्यम से बनाया जाए उसी को रेखाचित्र बोलते हैं। जब कोई मानचित्र बिना स्केल के माध्यम से बनाया जाए उसी को रेखाचित्र बोलते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया को बनाया गया है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये बिना स्केल के बनाया गया है। मतलब कि कहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो ये फिक्स मतलब कि नहीं कि इतना ही डिग्री साउथ में है या फिर ऊपर में है, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो ये कट एंड ड्रा इस टाइप का मतलब की होता है, ठीक है। तो रेखाचित्र किसको बोलते हैं? मानचित्र, वैसा मानचित्र जो बिना स्केल के बनाया गया है, ठीक है, उसी को। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अब देख लीजिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इस टाइप का लगभग मान के चलिए। यहाँ पे तस्मानिया होता है, ये तस्मानिया है, इसके ये साइड में जो है ये डॉट जो देख रहे हैं, तो फ्लिंडर आइलैंड है, फिर इधर आ जाता है किंग आइलैंड। यहाँ पे ये दोनों के बीच में, इधर पैसिफिक ओशियन होता है, प्रशांत महासागर हो जाता है, और इधर होता है इंडियन ओशियन, ठीक है। ये सब चीजें तो बाद में बताएंगे। और पैसिफिक और इंडियन ओशियन को जोड़ता कौन है? तो बास स्ट्रेट जोड़ता है, जो कि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि बास स्ट्रेट किन दो जल संधियों को जोड़ता है, ठीक है, मतलब जलाशयों को जोड़ता है। तो ये इस पे ने मतलब कि बाद में टॉपिक मतलब कि छेड़ेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रेखाचित्र। तो रेखाचित्र जो होता है वो होता है ये। अब नेक्स्ट आते हैं एटलस। अब एटलस क्या है दोस्तों? अब एटलस देख, तो रंगीन मानचित्रों के संग्रह को एटलस कहा जाता है। रंगीन मानचित्रों के संग्रह को एटलस कहा जाता है। जैसे देखिए एटलस, ये जो देख रहे हैं, देखिए ये एटलस है, ऑक्सफोर्ड का है। अब देखिए इसमें रंगीन मानचित्र, मतलब कि इस टाइप का मानचित्र दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये इंडिया का है, और जैसे ये देखिए ये यूरोप का, मतलब कि रशिया, ये रशिया है सबका है। तो ये सब रंगीन मानचित्रों के जो संग्रह होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? एटलस। मतलब इतनी इतनी मोटी बुक है, इस टाइप का जो होता है एटलस होते हैं। और मानचित्र तो देखिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट मैं आगे बताता हूँ, और भी शब्दावलियां हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट। जैसे एक टॉपिक है, मान के चलिए परिकल्पना, परिकल्पना,
इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? जब कोई विचार, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना क्या होता है, देख लीजिए दोस्तों। तो परिकल्पना, परिकल्पना क्या होता है? जब कोई विचार व्यक्त किया जाए, जब कोई विचार व्यक्त किया जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ना मिले, उसे ही क्या बोलेंगे? परिकल्पना बोलेंगे। कहने का मतलब कि कोई मतलब विचार व्यक्त किए, कोई साइंटिस्ट है जो कि विचार व्यक्त किए और वे मतलब कि दर्शा नहीं पाया कि वो सत्य है या फिर नहीं है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाता है, इसी को बोलते हैं क्या? परिकल्पना बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग को जैसे अब परिकल्पना है, अब जो मतलब अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाए, अब तो उसको क्या बोलेंगे? सिद्धांत बोलेंगे। तो देख लीजिए सिद्धांत, देख लीजिए सिद्धांत, सिद्धांत यानी कि थ्योरी, थ्योरी सिद्धांत। जब कोई परिकल्पना, जब कोई परिकल्पना या विचार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए या वह प्रमाणित हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। तो उसे सिद्धांत कहा जाता है या माना जाता है। दोस्तों ये थी परिकल्पना। जब कोई विचार व्यक्त किया और उसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता ना मिला तो परिकल्पना हो जाता है, हाइपोथेसिस हो जाता है। किन्हीं का मतलब कि सोच, कोई भी सोच सकता है, ऐसे दे सकता है कि पृथ्वी गोल नहीं चापता है, तो उसको जैसे सिद्ध किया जाए तो वो सिद्धांत हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध नहीं किया जाए, अगर अंतरराष्ट्रीय मान्यता ना मिले, तो ये हो जाएगा परिकल्पना। नेक्स्ट देखिए, मिटाता हूं। मॉडल क्या है? जब कोई सिद्धांत को नमूने के तौर पर दिखाया जाए तो उसे मॉडल कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है। जैसे कोई भी सिद्धांत दिखाया जाए या फिर बोल सकते हैं इसको पढ़ना शुरू किया जाए, जब कोई सिद्धांत नमूने के तौर पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए, उसे को क्या कहते हैं? मॉडल कहा जाता है। कुछ भी पॉइंट है जो कि तो दोस्तों
यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी का है। मैं हर क्लास के भांति, मतलब कि हर लेक्चर के भांति टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन से लेकर 10वां क्वेश्चन तक डिस्कस कर देता हूँ और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा टॉलमी। कौन हो जाएगा? टॉलमी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो मानचित्र का जो सर्वप्रथम निर्माण किया था, ये किए थे इरेटोस्थनीज किए थे, ठीक है। फिर था शुद्ध मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो शुद्ध मानचित्र का जो निर्माण सर्वप्रथम किए थे वो किए थे एनैक्सिमेंडर। यह शुद्ध मानचित्र का निर्माण किया था सर्वप्रथम। और फादर ऑफ ओशनोग्राफी मतलब कि समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? जॉन मर्रे। समुद्र विज्ञान का पिता जॉन मर्रे को बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब राजनीतिक भूगोल, फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल, और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब ये तीनों का जो हो जाएंगे, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये तीनों के पिता किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है रैंड जैन को, रैंड जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी मतलब कि भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? तो भू आकृति विज्ञान के पिता बोला जाता है डब्ल्यू एम डेविस को बोला जाता है भू आकृति मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महादेश मतलब कि पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दो ही महादेश है, एक बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर उसी को बोलते हैं ओशनिया महादेश, और सेकंड नंबर होता है अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया पहला, ऑस्ट्रेलिया और सेकंड नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये दो महादेश है जो कि पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित रहेगा? तो सबसे पहले भारत किस गोलार्ध में हो जाएगा? तो उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध या फिर बोल सकते हैं ये पूर्णता जो है पूर्वी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है या उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गोलार्ध। दोस्तों ये इंडिया है जो कि उत्तरी गोलार्ध में भी है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तर पूर्व मतलब कि उत्तर पूर्व गोलार्ध सबसे बेस्ट हो जाएगा, मतलब कि सबसे अच्छा जो आंसर आ जाएगा ये उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। तो दोस्तों ये थी आज के 10 क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन ये थे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।